अपने घर की फैमिली में आप मुझे बताएं हफ्ते के अंदर या महीने के अंदर आप अपनी फैमिली के साथ बाहर तो जाते होंगे, बाहर ना भी जाते हो आप खाना तो मंगवाते होंगे, पिज्जा वगैरह कुछ भी ऐसी चीज ताकि आज बाहर का खाना हो जाए, फ्रेश में तो इंटरटेनमेंट हो जाए। आज एक महीने के अंदर या हफ्ते में एक दफा जो आप खाना मंगवाते हैं ना, किसको नाम दे दिया करें हुजूर के नाम की महफिल का, कितनी आदत है हुजूर के नाम की महफिल का, घर के अंदर घर की फैमिली बैठेंगे। आप ये नियत करके देखें जब आपके बच्चे जब आपके पास वो खाना आ गया ना, शुरू करने से पहले आप अपने किसी बच्चे को, छोटे से छोटे बच्चे को, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारा छोटे से छोटा बच्चा भी उसको इतना आता इतना कल परसों तो आती होगी, कुल हुवल्लाहु अहद तो आती होगी, अल्हम्दुलिल्लाह के सारे बच्चों को आती है। आप उसको क्या करें बेटा, आप तिलावत करें, जब वो तिलावत करें, यहाँ आपने 1400-1500 का पिज्जा मंगवाया है ना, 2000 का लार्ज पिज्जा मंगवाया, 3000 का, 4000 का, तो जिसने तिलावत किया आपके बेटे ने उसको 200-300-500 निकाल के देर से, इधर ही आपका इनाम है। आपको मालूम है हमारे बच्चे क्यों कहते हैं मुझे पापा इंग्लिश आती है, आप क्यों कहते हैं मेरे बच्चे को इंग्लिश बड़ी अच्छी, इंग्लिश भी अच्छी बोलता है। जब आप उनके सामने इंग्लिश की बात करते हैं ना, तो उनके जेहन के अंदर किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी, अहमियत किसकी ज्यादा होगी, इंग्लिश। वो कोशिश करते हैं मैं इंग्लिश बोलूँ, क्यों, अगर मैं इंग्लिश बोलूंगा ना तो मेरे पापा है, मेरी जो मामा है मेरी तारीफ करेंगी, मेरे रिलेटिव मेरी तारीफ करेंगे, बच्चा बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलता है। अगर उसी बच्चे के सामने हमने ये तारीफ की होती, मेरा बच्चा बड़ी अच्छी कुरान पाक की तिलावत करता है, बड़ी अच्छी नात पढ़ता है, सूरह बासलम की बड़ी अच्छी हदीस पास में, मुझे आप बताएं बच्चों के जहनों के अंदर की जो अहमियत है पैदा हो जाती है नहीं हो जाती। ये हमें अपने रवैये अपने अंदाज बदलने होंगे, हमें अपनी गुफ्तगू का जो तरीका है ना वो बदलना होगा, ज्यादा से ज्यादा कोशिश।